आज रविवार को भारतीय जनता पार्टी कार्यालय प्यागीपुर में स्वच्छता से जुड़े स्वयंसेवी संस्थाओं, सफाई कर्मियों व शिल्पकारों के लिए भाजपा युवा मोर्चा सुल्तानपुर ने स्वच्छता से सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर स्वयंसेवी संस्थाओं व सफाई कर्मियों को मुख्य अतिथि के रूप में आए काशी प्रांत भाजपा युवा मोर्चा के सोशल मीडिया प्रभारी हरिनाम सिंह व भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर आर के वर्मा, भाजपा काशी क्षेत्र की मंत्री बबीता तिवारी, भाजयुमो जिलाध्यक्ष चंदन नारायण सिंह ने अंग वस्त्र व प्रशस्ति पत्र देकर सफाई कर्मियों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं को सम्मानित किया। इस मौके पर 76 लोगों को प्रशस्ति पत्र व अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के संयोजक सौरभ सिंह, जिला उपाध्यक्ष भाजयुमो व सह संयोजक सच्चिदानंद सिंह के नेतृत्व में भव्य कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित जिला महामंत्री गौरव मौर्य, सचिन पांडे, जिला उपाध्यक्ष अभिनव सिंह, अंश द्विवेदी, सुधांशु सिंह, धर्मेंद्र वर्मा, जिला मंत्री शौर्य वर्धन सिंह, सानू सिंह, अमोद विक्रम, भाजयुमो की पूरी टीम मौजूद रही। सुल्तानपुर से राजेश जायसवाल की रिपोर्ट, प्राइम एटी न्यूज। ये सेवा समर्पण कार्यक्रम चल रहा है 17 सितंबर से जो 7 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान कल 2 अक्टूबर था महात्मा गांधी जी का जन्मदिन, जो स्वच्छता के प्रति उनका बड़ा लगाव था और उनके जीवन का मूलमंत्र था सत्य, अहिंसा, स्वच्छता। तो स्वच्छता से जुड़े हुए जो हमारे भाई बहन विशेष कार्य कर रहे हैं उनको आज सम्मानित करने का हम लोग का प्रोग्राम था। आज युवा साथियों द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके संयोजक श्री सौरभ सिंह जी हैं, पूरे युवा की टीम, हमारे अध्यक्ष श्री चंद्र नारायण सिंह जी और सभी साथी मिल के इस कार्यक्रम को अच्छा कर रहे हैं और स्वच्छता से जुड़े हुए लोगों को सम्मानित। अभी आपने एक नमो ऐप को बढ़ावा देने के लिए कहा है, इससे क्या फायदे हैं? आए दिन आप इस तरह की बातें सुनते रहते हैं कि फेसबुक ने हमारा इतना डाटा भेज दिया, व्हाट्सएप ने ऐसा कर दिया, ट्विटर ने ये गड़बड़ी कर दी। हम नमो ऐप को, ये इंडियन ऐप है, क्यों नमो से मत जाइए, ये ऐप विशुद्ध इंडियन है, इसको इस्तेमाल करके हम अपना डाटा भी सुरक्षित रख सकते हैं और जानकारियों का लेन देन भी कर सकते हैं, देश विदेश में क्या हो रहा है वो भी जान सकते हैं। आपका महिला एक कंपनी का घर के गया था, उसके लिए क्या क्या बताएंगे? अब देखिए, हम तुरंत उनके घर किसी अपने कार्यकर्ता को भेजेंगे, उस गाँव के प्रधान से संपर्क किया जाएगा, उस ब्लॉक के वीडियो से संपर्क किया जाएगा, उनके नाम उसमें जो आपदा। इस प्रकार के अभियान जिले में बहुत ही चलाए जाते हैं आपके द्वारा भी, आपकी पार्टी के द्वारा, लेकिन आज भी सुल्तानपुर में पूर्ण रूप से सुल्तानपुर में गंदगियां कहीं कहीं मिलती जाती हैं, इसका कारण क्या है? पहले चलाए जाते थे, उसकी अपेक्षा अब हमारे सुल्तानपुर में हमारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पर सप्ताह हर रविवार को कहीं न कहीं हम लोग निश्चित करके जहाँ ज़्यादा गंदगी रहती है, जहाँ सफाई करता नहीं समझ पाते हैं, अन्य किसी लोगों में नज़र नहीं पड़ती, उस पर हम लोग हर सप्ताह जाकर कहीं ना कहीं अभियान चलाते हैं, फिर सफाई करते हैं। और हमारे सहयोगी गोमती मित्रमंडल पर सप्ताह जो है उस अभियान में जुड़ी रहती है और लगभग जिले को पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा स्वच्छ कर लिया गया है। कहीं कहीं जो बचा है उसको भी जल्दी हम लोग 100% कंडीशन दे देंगे। हमारे चैनल से क्या संदेश देना चाहते हैं आप? इस संदेश से, आप चैनल से ही संदेश देना चाहेंगे कि लोग जो है सफाई अभियान जो चलाते हैं उसको केवल फोटो या मीडिया के माध्यम से ना रह के उसको अपने अंदर ग्रहण करके ज़मीनी स्तर पर उतारें, जो सुल्तानपुर स्वच्छ दिखे। कार्यक्रम रखा गया, इसमें कितने लोग को सम्मान किया, कितने लोग को संस्था दिया गया, थोड़ा कार्यक्रम में जानकारी दीजिए। आज जो कार्यक्रम था ये
गांधी जी के जो स्वच्छता अभियान शुरू किया गया था उसी को और मजबूती से करने के लिए हमने जिले में जितने भी स्वच्छता को बढ़ावा दे रहे हैं हमारी संस्था है या फिर हमारे सफाईकर्मी उनको सम्मानित करने का ये कार्यक्रम किया गया है आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, जिसमें हम लोग ने मोदी जी के 71वें जन्मदिवस के अवसर पर मनाकर 71 जन लोगों को हम लोग ने जनपद में सम्मानित किया है और लोगों को एक मैसेज इस कार्यक्रम के माध्यम से देने का प्रयास किया गया है कि स्वच्छता को सिर्फ फोटो या टीवी के माध्यम से दिखाए ना, उसको अपने अंदर लाने का कार्य करें और क्योंकि स्वच्छ रहेंगे तो हमारे जो है शरीर की गंदगी हमारे समाज की में जो भी कूड़ा करकट फैला हुआ है और हमारे देश सब कुछ जो है स्वच्छ रहेगा। और इसकी जो सबसे ताज़ा तरीन उदाहरण है वो कोरोना है। कोरोना में इतने भारत में इतनी ज़्यादा जनसंख्या होने के नाते भी बहुत कम नुकसान उठाते हुए भारत में कोरोना को हराया है। इसका कारण सिर्फ ये है कि हम लोग ने स्वच्छता का पालन किया और इसको आगे अपने जीवन में उतारने का काम हम लोग ने इस मंच के माध्यम से लोगों को बताने का कार्य किया।